दे दिए, उनने भी दिए बच्चों को। ये कब्बू बांट रहा है बच्चों को, चलो दे दो आराम आराम से, थोड़े थोड़े दे दो दे दो। देखिए कैसे बच्चे कैसे पागल हो रहे हैं, मगर तो यही तो बचपन होता है, यही बचपन होता है। देख सकते हैं हम आए शादाब भाई घर दावत में, तो शाहरुख भाई ओवेस। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया मॉर्निंग से और सुबह के बज रहे 9:30, और कबीर भी स्कूल जा चुका है क्योंकि कबीर का स्कूल अब 10 बजे से नहीं है, अब सुबह के 9 बजे से हो गया और 1 बजे तक दोपहर के, तो जल्दी का हो गया, अच्छा हुआ क्योंकि कबीर भी चिड़ जाता है, मतलब 2 बजे तक ना बहुत परेशानी हो जाती है। तो अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ सामान लेने के लिए, क्योंकि हमारी मम्मी दिलवा रही हैं आज बच्चों को, तो आज बिरयानी बनने वाली है बच्चों के लिए, तो मस्त बच्चे खाएंगे आराम से। तो और रात में असद भाई, जान भाई, सदा पी जब भी आएंगे, क्योंकि आज बर्थडे है, असद भाई की छुट्टी है, तो मज़ा आएगा। और चलते हैं सबसे पहले मार्केट, उसके बाद में देखेंगे जो भी रहेगा, और टाइम मिला तो शराब जगाती भाई के पास भी जाएंगे वीडियो शूट करने के लिए, अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए। तो हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। अब तो मैं वैसे डेली बना रहा हूँ ब्लॉग, चाहे वो एक दिन के बाद ही आए, मगर डेली स्टार्ट कर रहा हूँ। और हाँ एक बार फिर कह रहा हूँ, 1K सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करा दीजिए, मैं रेंडम 3 लोगों को 100 रुपीज दूंगा, 100 100 100, मगर 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट और वॉच टाइम मेरा कंप्लीट हो जाए, तो रैंडम 3 लोगों को मैं मनी प्राइज दूंगा। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे बाद में। अमरूद आप देख सकते हैं बिल्कुल सूख गया है, बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया, नज़र लग गई, इतना भर के आया था अमरूद वापस ठंड में, तो अभी ना सूख गया है बिल्कुल, पत्ते भी देखना कितने, लकड़ी भी टूट टूट के गिर रही हैं। तो मैं ना डेली अब पानी डालने लगा हूँ, 1 बाल्टी पानी डेली, तो अभी थोड़ा सा नीचे चले आएगा तो दोबारा डाल दूंगा। बिल्कुल मतलब गुस्सा आ रहा है अम्मी को भी देख देख के, और अम्मी मुझे भी कह रही हैं कि तू टाइम से पानी नहीं डालता इसमें, और थोड़ा गंदा भी हो रहा था वो, तो अच्छा हुआ बारिश हो गई तो साफ हो गया, धुल भी गया अमरूद। तो पता नहीं नज़र खा गई, आपने मेरी पहले वीडियो में आपने देखा होगा अमरूद हमारा कितना भरा हुआ था, और अमरूद भी बहुत आ रहे थे, और पत्ते बिल्कुल मतलब ग्रीन ग्रीन एकदम, और अभी ना बिल्कुल सूख गया है और टहनी टूट टूट के गिरने, देखें यहाँ पर देखें। अम्मी को बहुत ज़्यादा दुख है और हमें भी है। देखिए जमशेद भाई कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी, तो सामान सब मैं लेकर आ गया हूँ, और बस अब ये अखनी की तैयारी कर रहे हैं, अखनी होगी पहले, फिर उसके बाद में देखेंगे, या तो यहीं रेडी करेंगे जैसा भी रहेगा आप देखेंगे। तो जमशेद भाई आ गए हैं, ये अखनी की पोट लिए, धनिया सौंफ लहसुन सब है इसके अंदर आप देख सकते हैं, और प्याज भी, तो ये अखनी की होगी अलग, तो तैयारियाँ चल रही हैं। अभी गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, और अभी चलते हैं जहाँ पर खाना बन रहा है बच्चों के लिए, तो वहीं चलते हैं, वहाँ आप देखेंगे सब वहाँ पर वहीं बैठे हैं पापा भी, और जब खाना रेडी हो जाएगा तो बच्चे फिर बहुत सारे हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं मोहल्ले के वो खाने के लिए आएंगे, तो चलते हैं वहीं पर, मिलते हैं आपसे। तैयारियाँ हो रही हैं, चूल्हे में आग लगेगी। हमारा कबीर स्कूल से आ गया है, आज तो 1 घंटे पहले छुट्टी हो गई, हाँ टाइम चेंज हो गया है ना, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक है ना, तो कबीर स्कूल से आ गया है, और वहाँ पे ना बिरयानी बन रही है, वहाँ पे ना छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, वो छोटे छोटे बच्चों को बनवा कर खिला रहे हैं, तो अभी बन रही है ना, फिर चलेंगे वहाँ पे पीर बादशाह के पास, जहाँ पे पीर बाबा है वहाँ पे चलेंगे, नानू भी। बच्चों बांटूंगा चावल। आप बांटोगे बच्चों को चावल, अच्छा ठीक है आप बांटना, ठीक है ठीक है। आ गए आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर खाना बन रहा है, है? और ये कौन है, कौन है बताओ, बाबा है पीर बाबा, अच्छा क्या आ रही है कभी, आम बोला, आम बोला, अभी आपको किस चीज की स्मेल आ रही थी, खुशबू जो आ रही थी आपको, पेट्रोल, पेट्रोल की आ रही है, कहाँ से आ रही है पेट्रोल की, वहाँ से, वहाँ से पीछे थे, तो अभी हम जंगल में है, देखो चार तो जंगल ही जंगल है ना, सब पीछे जंगल है देखो, है ना, घर आ गई हो आप, हाँ फिर नानी के घर आ गई, अभी तबीयत खराब हो गई थी, फिर दादी की चली गई थी, अब फिर नानी के घर आ गई, दावत खाने आए हो, रात को चले जाओगे आप, हैं इजो,
रात को चले आओगे? तो सदा पप्पी को अभी मैं लेकर आया हूँ और वापस चलते हैं वहीं बाग में फिर बादशाह के पास, क्योंकि वहीं खाना बन रहा हो, कबीर भी वहाँ कभी पापा को परेशान करे, तो चलते हैं। खाने स्टार्ट हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे तो इनके लिए ही बनाए, और कुछ यहाँ पर सब बड़े लोग भी हैं जो कि यहाँ पर खड़े थे, तो सभी खा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई खाना बनवाते हैं तो सभी बच्चे बड़े सब खाते हैं। तो रेडी हो गया और बच्चों ने उधर लाइन भी लगा ली है, तो अभी और आएंगे। तो ये है पीर बादशाह, और यहाँ पर बच्चे देखिए कैसे बैठे हैं, अभी और आने वाले हैं, अभी तो थोड़ी आए हैं, अभी और आएंगे। अंदर किसका घर है ये? ये अल्लाह बाबा का घर है? अल्लाह बाबा सो रहे हैं अंदर? आप दुआ मांग रहे थे ना अभी कुछ हैं? मुझे तो बताओ क्या दुआ मांग रहे थे आप, बताओ जल्दी से क्या मांग रहे थे आप? नहीं बताओगे मुझे? आप अपने दिल में रखोगे, मुझे नहीं बताओगे? अच्छा, सब बच्चे आ गए और मटनी स्टार्ट होगी। देखिए कैसे बच्चे कैसे पागल हो रहे हैं, मगर तो यही तो बचपन होता है, यही बचपन होता है। बेटा आराम से खा भाई, आराम से ध्यान, तू आराम से ले लियो, रुक जा, कोई बात नहीं, छोटे छोटे बच्चों को ले रहे थे, बच्चों के लिए तो है, खाओ खाओ आराम से खाओ। देखो अभी देख कितने बच्चे थे, उधर शांत से बैठे आराम से, और तुम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आराम से मिल जाएगी, हाथ पैर जल जाएंगे खामा खा। बच्चे वो खा रहे हैं बिरयानी, आप नहीं बांट रहे बच्चों को खाना? नहीं, चलो बच्चों को बांटो, चलो बच्चों को दे रहा, वो खुद दे रहा, दे दिए उनने भी दिया बच्चों को, ये कब्बू बांट रहा है बच्चों को, चलो दे दो आराम आराम से, थोड़े थोड़े दे दो, दे दो कब्बू। खाना खा लिया आपने? हैं, हाथ धो रहे हो? गुड बॉय, खाना खाने के बाद हाथ धोते हैं, और खाने से पहले भी हाथ धोते हैं। हैं, और मुंह देखो तुम्हारा कैसा बिल्ली चाटा हो रहा है। बच्चों को आपने खाना खिलाया अपने हाथ से? अच्छा, चलो अच्छी बात है, चलो अब घर चले, अशाद भी आ गया घर पे। हाँ अशाद आ गया घर पे, चलो जल्दी चल रहे हैं। गाइस मैं सबके लिए बना रहा हूँ चाय, तो हमारा खाना एकदम मस्त हो चुका है। तो आज मम्मी ने नियाज दिलवाई थी और हमने पीर बाबा के पास वहीं बनवाया और वहीं बच्चों को खिलवा दिया सबको, बड़े बुजुर्ग सब आ गए थे, सब ने खाया। तो अब हमने खाना भी खा लिया और अब चाय बना रहा हूँ सबके लिए मैं, क्योंकि सबने कहा कि तू अरकान तू बना चाय सबके लिए, तो मैं सबके लिए चाय बना रहा हूँ। मैं तो सबको चाय पिलाकर आ गया हूँ और जा रहा हूँ शादाब भाई के पास, देखते हैं क्या पता वो मेरठ से आ गए, अगर आ गए होंगे तो उनके साथ वीडियो बनाएंगे। और शान भी आ गया, देखो पीछे शान भी है, तो जा रहे हैं शादाब जगाती के पास। क्या कर रहा हूँ मैं? बातें करते रहोगे? क्या बातें कर रहा हूँ मैं? मैं सदा आंटी से बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या चाहिए तुम्हें? चिज्जी चाहिए। चिज्जी चाहिए? चिज्जी शाम लेके नहीं आया तू अशाद के साथ? बोल वाली यहाँ नहीं मिलती, सुबह को लेके दिलवाऊंगा जब स्कूल जाओगे आप। नहीं, अब मैं सुबह को दिलवाऊंगा। गाइस हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है, और फिलहाल चलते हैं बाहर, क्योंकि ये व्लॉग हम कल भी कंटिन्यू करेंगे, और कल हम कहीं जाने भी वाले हैं, और कोई बहुत बड़े शख्स हैं जिनके हम घर जाएंगे, और मज़ा आएगा, आप देखेंगे, तो बने रहिएगा एंड तक। और यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और टारगेट पे ध्यान रखें, टारगेट है 1K सब्सक्राइबर, और मेरा वॉच टाइम मेरा कंप्लीट होने वाला है, 1400 घंटे मेरे रह गए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को वॉच करें, और रैंडम 3 लोगों को मनी प्राइज मिलेगा, जो कि मैं अपने इंट्रो में कह चुका हूँ और आप देख भी चुके हैं। तो फिलहाल मिलते हैं आपसे सुबह। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस सुबह सुबह का अभी टाइम है और 9 बज रहे हैं, कबीर जा रहा है स्कूल, तो 9 बजे का कबीर का स्कूल है, और पूरे 9 बज गए हैं, मगर कोई बात नहीं, हमारा चलता है। तो कबीर के सर हमें कुछ नहीं बोलते, मगर कभी कभी बोल देते हैं, तो फिलहाल चलते हैं। और कबीर को रास्ते में तो चीज़ भी दिलानी है, इसको बोल वाली चीज़ चाहिए जिसमें खिलौने निकलते हैं, तो चलते हैं। और हमने अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज तो रुमेशा नानी के घर आ गई है, रुमेशा डेली नानी के घर आया करेगी अब, इस नप्पी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इस नप्पी परेशान कर रही है ना रुमेशा, और नानी के घर आया करोगी अब तुम डेली, रात में चली आया करोगी, है ना। कबीर भाई बहुत प्यार करेंगे आपको, कबीर भाई खुश हो जाएंगे,
तो मैं तो रुमेशा घर आ गई है, अब डेली आ करेंगी इंशाल्लाह। मेरी प्यारी क्यूटी पाई, मेरी प्यारी सी डॉल, देखो कैसे देख रही है। तो भी गाइस मैं तो रेडी हो चुका हूँ, और मैं कहाँ जाने वाला हूँ मैंने आपको अभी तक नहीं बताया था। तो मैं जिन शख्स के घर जा रहा हूँ तो वो है शादाब जगाती। तो शादाब जगाती भाई ने आज घर पे एक छोटा सा फंक्शन रखा हुआ है, उसमें उन्होंने अपनी पूरी टीम को इनवाइट कर रखा है। मतलब मैं हूँ, वैसे है, अफान है, तो शाहरुख भाई भी हैं। तो शादाब भाई ने हमें दावत पे बुलाया, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। तो शादाब भाई के घर जा रहे हैं दावत में, और एक हमारे पीछे मोहल्ले में भी दावत है, तो कबीर और मम्मी पापा वहाँ जा रहे हैं। तो हकीका है बच्चों का और फैमिली का, जो भी मतलब हकीका है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो हम सब दावत में, सदा पप्पी घर आ चुके हैं। इतना भी रुमेशा को तो मैं सुबह ही ले आया था, सदा पप्पी अब आई हैं, और बस चलते हैं शादाब जगाती भाई के घर चलते हैं। देर नहीं करते क्योंकि 1:30 बज चुका है, 1:30 बज के 30 मिनट, और चलते हैं और मिलते हैं आपसे वहीं जाकर। देखिए कबीर स्कूल से आकर खुद रेडी हुआ है, और दावत में जाने का तो बहुत शौकीन है। देखो खुद रेडी हुआ है, शूज भी खुद पहने हैं, पैंट भी खुद पहनी है, बस बेल्ट मुझसे लगवाई है, और टी शर्ट वगैरह भी खुद पहनी है। और नानी से ना आवे ना बाल बनवा लेना, ठीक है? और नानी के साथ दावत खाकर आना पीछे मोहल्ले में। मैं तो वहाँ जा रहा हूँ शादाब जगाती भाई के, शादाब जगाती भाई के जिनका सिल्वर प्ले बटन आया था। हाँ वही जहाँ पे मैं वीडियो बनाने जाता हूँ, वहाँ पे जहाँ वीडियो बनाने जाता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। देख सकते हैं हम आए शादाब भाई के घर दावत में। तो शाहरुख भाई, ओवेस, शाहरुख भाई, ओवेस, तो शादाब भाई मुस्कुरा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने खुश हैं शादाब भाई। दावत में आए हैं भाई, भी आए हुए हमारे, और मदरसों के बच्चों का खाना चल रहा है। खाने का टाइम हो चुका है, हम तो खाना खाएंगे। है शाहरुख भाई मस्त हो रहा है, अफान भाई गाइस हमारा तो खाना पीना मस्त एकदम हो चुका है, और शादाब भाई अभी अंदर गए। शादाब भाई के साथ ही हमने बैठकर खाना खाया, मैं, अफान, शाहरुख भाई सबने साथ बैठकर खाया। पीछे देख सकते हैं शादाब भाई का घर है, और मजा आया, बहुत खाना बहुत मजे का हो रहा है, कोरमा भी, बिरयानी भी, जरदा भी। तो सबने अच्छे से खाया, और मदरसे के बच्चों ने भी माशाल्लाह अच्छे से खाया। सबसे पहले मदरसे के बच्चों को ही खिलाया, फिर उसके बाद में सबने, मेहमानों ने, हमने खाया, तो मजा आया। और देखते हैं जो भी रहेगा, मिलते हैं आपसे बाद। आए हैं शादीम भाई के घर, जो कि हम यहीं शूट करने वाले हैं, और लोकेशन हमारी देख सकते हैं। छोटा हाथी के ऊपर एक कंटेंट रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगी जो कल आएगी। अभी हम शूट करेंगे, ट्राई करेंगे, क्या पता अभी ना हमसे बन पाए, क्योंकि शादीम भाई के साथ पहली बार मैं शूट करूंगा, तो थोड़ी सी है ना घबराहट सी भी है, मगर मजा आएगा। तो कैमरा मैन जो हमारे रहेंगे, शूट जो करेंगे, वो नवाज है, नवाज शायद ऊपर था, अभी आवाज़ दिए वो आएगा। तो यहाँ पर हम इंशाल्लाह आगे भी बहुत शूट करेंगे, यहाँ पर मतलब अच्छी लोकेशन है हमारी चाचा के घर पे, तो मजा आएगा। है शादीम भाई, शादीम भाई मैं टेंशन में जा रहा हूँ। देख भाई तू कहीं भी जा, मेरा पैसे देके जाइए जो डाल दिए। हाँ चल सही तो है, सही तो यार, सही तो। चल शादीम भाई इंशाल्लाह कल मिलेंगे, वापस से शूट करेंगे। आज जो भी वीडियो शूट की है मतलब बहुत जबरदस्त थी। पहला दिन आपने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, मजा आया, और एक हमने एडिटिंग हमने साथ बैठ के कर ली है, मजा आया। तो गाइस कल देखना, बने रहना इंशाल्लाह, या तो 2 बजे अपलोड करूंगा या 3 बजे अपलोड करूंगा, ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। बोल दो शादी भाई आप भी, ठीक है चलो मिलते हैं, घर जा रहे हैं। तो अभी गाइस मैं तो आ चुका हूँ वापस घर, और आज बहुत मजा आया, और आपने देख ही लिया है, मतलब हमारे 2 दिन का ये रूटीन रहा है, 2 दिन का ये ब्लॉग रहा है, 2 दिन हमने खूब मजा किए। और कल मम्मी ने नियाज उतरवाई, आपने देखा कबीर ने कैसे बच्चों को वहां पर खाना खिलाया, और आज शादाब भाई की हमारी दावत थी, मैं और एसआर के शाहरुख भाई और ओवेस, अफान, हम सब थे। शादाब भाई ने हमें इनवाइट किया था अपने घर पर, मतलब बहुत खुशी हुई थी जब शादाब भाई ने हमें कहा कि कल आपकी दावत है। तो आज हम शादाब भाई की दावत में गए, शादाब भाई ने भी मदरसे के बच्चों को खाना खिलवाया, और उनके मेहमान आए हुए थे, उन्होंने एक फंक्शन किया अपने घर, तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा। और उसके बाद में वहाँ से आने के बाद मैंने शादीम के साथ 2-3 शॉर्ट वीडियो शूट की, तो मज़ा आया। कल वो आप देखेंगे ज़रूर, मैं डालूंगा 2 से या 3 बजे के बीच में मैं डालूंगा अपनी शॉर्ट वीडियो, शादीम के साथ है, बहुत मज़ा आया शॉर्ट वीडियो शूट करने में। तो हाँ फिलहाल इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं, आई होप आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी के नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।